फैसला हुआ है ये एक सिटिंग एमएलए के नेतृत्व में हुआ है, तो हम सबसे पहले तो जो क्रिमिनल एक्शन उन्होंने किया है उसका हम लोग इमीडिएट अरेस्ट चाहते हैं, क्योंकि ये दो तरफा एक नुकसान है पूरा लोकतंत्र के लिए। एक तो कि हिंसा, जो आप ऐसा आतंक फैलाएं कि मेरे इलाके में आए तो मैं आपका बात को पसंद नहीं करूंगा तो मैं हमला कर सकता हूं, ये एक बहुत बुनियादी आतंक है। दूसरा है कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता जनप्रतिनिधि बनने का, इसलिए हम चाहते हैं इमीडिएट अरेस्ट। कल पुलिस वहाँ थी और देखती रही और मदद नहीं की, एक्चुअली लोकल पुलिस वैन खड़ा था और अनुराग सिंह जिनके ऊपर सबसे शंकर और अनुराग के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है, अनुराग के तो टेंडन टूट गए हैं, उसके पूरे रप्चर्स हो गए हैं, वो जाके उस पुलिस वैन में बैठना चाहा तो उसको बाहर निकाल के धक्का दे के दरवाज़ा बंद करके वैन चल पड़ी।